इनका तबीयत खराब होता है ना तो मुझे डर लगता है, क्योंकि ये ना एकदम इतना शरीर को कुछ नहीं मत बोलो मार रही एकदम कान के नीचे, इसलिए हमको गुस्सा लगता है। अभी हम लोग डैम आ चुके हैं सुनने के लिए। मैं आई हूँ प्रीति आंचल और एक बहन आई हुई है, तो जा रहे हैं हम लोग घोंघी चुनने के लिए। और आप लोगों को पता ही है कैसे घोंघी चुना जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और गाइस मैं भी ठीक हूँ। रात में दवाई वगैरह खा करके मैं सो गई थी कंबल ढपा करके, और पूरा शरीर मतलब ढपा करके, पंखा वगैरह चल रहा था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, सो गई। फिर सुबह होते होते एहसास हुआ कि तबीयत अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक हुआ और आज फिर बोलते घूंगी चुने जाएंगे। घूंगी चुने तो आचल लोग के लिए ना, आचल लोग के लिए चुनेंगे। और हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग बहुत खाए ना, है ना? हम लोग बहुत तेज हो गया। मैं तो ऐसे ही अंधी हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता गाइस। और मेरे हस्बैंड को मैं बहुत घूंगी खिलाई हूँ, अपना हाथ में पूरा फुंसी वगैरह हो जाता था, फिर भी मैं जाती थी। मछली भी ताजा ताजा खिलाई हूँ। मछली खाइएगा और ला देंगे, ला देंगे। इसको डर है कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगा फिर से। उस दिन बहुत जोर से मेरा तबीयत खराब हो गया था। सुबह उठ करके चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास कर रहे थे, जबरदस्ती लेके जा रहे थे। और गए थे हम लोग मेडिकल बंद, जा रहे हैं काम। नहीं बैठे थोड़ा देर, अभी तो आए हैं। तो ये फ्रेश वगैरह हो लिए हैं और नाश्ता वगैरह कर लिए हैं और जा रहे हैं काम करने। मत जाइए, धूप बहुत है। इनका तबीयत खराब होता है ना तो मुझे डर लगता है, क्योंकि ये ना एकदम इतना शरीर को कुछ नहीं मत बोलो मार रही एकदम कान के नीचे, इसलिए हमको गुस्सा लगता है। इनका तबीयत खराब होता है ना पूरा शरीर को गिरा देते हैं एकदम, मतलब सो गए तो सो गए, उठाएंगे उठते ही नहीं है। मैं तबीयत खराब होता है सिर भी दर्द देता है, फिर भी खाना वगैरह जबरदस्ती बनाती हूँ। ये शरीर को गिरा देते हैं तो हमको डर लगने लगता है कि कैसे ठीक होगा नहीं होगा, ऐसा लगता है। उनका लेट हो रहा है, वो जा रहे हैं। यहाँ चल नाश्ता कर ली है, वो खाना खा के बर्तन धोने गई है जो था वो, और झाड़ू पोछा वगैरह नहीं हुआ है, करती हूँ जल्दी से। गाइस आज भी हम लोग जा रहे हैं धुरुआ डैम घोंघी चुनने के लिए, अपनी बड़ी वाली दीदी लोग के लिए चुन दूंगी और प्रीति लोग आएगी तो वो लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा चुन दूंगी। और ये आंचल है तो आंचल भी सब घर जाएंगे बोल रही है, तो मैं बोली कि धुरुआ डैम तो यहाँ पास में है, चलो चुनते हैं, उसके बाद में घूंगी तुम लेके जाना मम्मी लोग के लिए बोल रही हूँ। तो देखते हैं ये लड़की चुनती है कि नहीं, जाएगी कि नहीं, ऐसे तो जाएंगे तो बोली है। तो खाने में आज बना है चावल और भिंडी बनाई है, मैगी मसाला से बनाई है, आंचल बनाई थी। मैं तो ज्यादा काम नहीं की हूँ, अभी करूंगी झाड़ू पोछा, सब तो करना ही पड़ेगा घर। गाइस बहुत तेज धूप है, मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि बिना वजह के धूप में तो मत ही जाइए, और नहीं जाते होंगे, किसी को शौक थोड़ी लगता है ना धूप में जाना। मेरे हस्बैंड बताइए जा रहे हैं काम, क्योंकि काम तो जरूरी है, नहीं जाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। धूप नहीं लगता है, नहीं लगता है वो। रोज दिन नींबू पानी बनाने बोलते हैं, शाम में भी नींबू पानी बना देती हूँ, मॉर्निंग में भी नींबू पानी बना देती हूँ इनके लिए, और ये पीते हैं। ऐसा वाला शर्ट मत पहनिएगा ऐसे धूप में, फुल वाला नहीं है। अच्छा ले देंगे, मार्ट जाएंगे हम ला देंगे शर्ट, सूती वाला, सूती वाला, हाँ सूती वाला ही ला देंगे। तो गंजी तो पहने हैं, वो टी शर्ट तो पहने, टी शर्ट नहीं जाइए ना, हाथ काला होता है बोल करके डाकता है, इसलिए ये फुल वाला ऐसे पहन के जाते हैं इतना गर्मी में, जबकि ये अंदर व्हाइट वाला ये ऐसे पहने हुए ना, मैं इतना हाफ वाला पहने हुए है अंदर, और ऊपर से अंदर में फिर गंजी पहने हैं, उसके बावजूद भी ठंडा लग रहा है। हाँ जितना पहने उतना गर्मी नहीं लगता है। मेरा तो कल साड़ी केवल पहने हुए टटरा के पूरा पसीना चू रहा है, इतना सारा पहने हुए है नहीं गर्म लगता है, नहीं अंदर धूप में इनको ना मुझे भेजने का मन नहीं करता, बहुत जल्दी तबीयत भी खराब होता है, अच्छा भी नहीं लगता है धूप में खासकर। ओके बाय बाय। मछली खाइएगा सही में, ला देंगे कि
नहीं, मैं भी जाती हूँ नाश्ता करने और जल्दी से बेड वगैरह को झाड़ती हूँ और घर झाड़ू पोछा करती हूँ। किचन तो आज तक क्लीन की थी, थोड़ा बहुत क्लीन करना है क्योंकि क्लीन करके फिर पकाई है, वही सब करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके गाइस, अभी हम लोग डैम आ चुके हैं चुनने के लिए। अभी एक बज रहा है, मैं आई हूँ प्रीति आंचल और एक बहन आई हुई है, तो जा रहे हैं हम लोग घोंघी चुनने के लिए। और आप लोगों को पता ही है कैसे घोंघी चुना जाता है, बस हाथ से, कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, ऐसे 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 छूना पड़ता है नीचे को, फिर मिलते जाता है उसको प्लास्टिक में डालते जाइए करके। तो आज तो मैं दीदी लोग के लिए चुनूंगी और थोड़ा बहुत ये लोगों को सबको दे दूंगी थोड़ा थोड़ा, बाकी दीदी लोग के लिए ले जाऊंगी। और हमको तो खाने का बिल्कुल मन नहीं है, हम लोग बहुत खाए हैं घोंघी, इसीलिए चुनते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि मेरा कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है और हम लोग कपड़ा बहुत ऊपर ऊपर तक उठाए हैं, इसलिए आप लोगों से नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। मैं चुनी हूँ कितना घोंघी, ये तो सुहाना लोग को दे देंगे, ना चल चुने हैं इतना, ये देखिए हम लोग सब सेम ही चुने हैं, मतलब दम तो है ना, तो ये लोग ज़्यादा चुने हैं दो जन में, ये दे पूरा पुरका सह गिरे प्रीति, इसमें चुनी है आधा थैला और ये भी है, तो हाँ आधा प्लास्टिक हो जाएगा। आंट नंबर वन बीबी नंबर वन आचल, अरे तो दिख नहीं रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, बहुत तेज हवा चल रहा है, रुका दे। डैम से रूम वापस आने के बाद मैं सबको अच्छे से साबुन से हाथ पैर धोए, नहाए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा नहीं हुए थे, कपड़ा भी बहुत ज्यादा गंदा नहीं किए थे और शाम भी हो चला था तो नहीं नहाए। फिर थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा करके हम लोग निकल पड़े हैं। मैं तो जा रही थी विधानसभा ATM, ये लोग तो अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं और मैं भी साथ में चल रही हूँ आधे रास्ते तक। रास्ते में ही शालीमार बाजार के पास में सुहाना को मैं बुलाई हुई हूँ, वहीं पर मैं घोंघी दे दूंगी। अभी बज रहे रात के 9:30 और मैं घर आ चुकी हूँ। मैं गई थी बिस्व चौक तरफ, मैं गई थी ATM पिन जनरेट करने के लिए स्टेट बैंक का और कैनरा बैंक का। गाँव से ATM अंकित ला दिया है, तो मैं तो गाँव अभी नहीं गई हूँ ना, देख सकते हैं ये है कैनरा बैंक का, ये है स्टेट बैंक का, तो मेरा दोनों ATM आ चुका है और स्टेट बैंक में पिन जनरेट हो गया है, लेकिन कैनरा बैंक का वहां पर ATM में एरर दिखा रहा था और ATM काम ही नहीं कर रहा था, इसी वजह से जनरेट नहीं कर पाई हूँ। और आंचल चली गई है अपने गांव, प्रीति लोग भी चली गई है और घोंघी चुन के लाई थी ना उसको, सबको मैं दीदी घर पहुंचा दी हूँ, थोड़ा सा मैं आंचल को दे दी, तो आंचल ले गई है घोंघी अपने गांव। प्रीति लोग भी, प्रीति लोग के लिए मैं नहीं चुन दी थी, वो लोग दो जन थी तो वो लोग हम लोग से डबल की थी तो इसलिए नहीं दी थी। और गाइस चुनते चुनते ना पानी आ गया था, तो कहाँ से और चुनते, थोड़ा बहुत और चुनते तब ना देते ना थोड़ा थोड़ा, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं चुने थे इस बार। दीदी लोग भी एक दिन भी लोग नसीब ही नहीं कर पा रही है, जाती ही नहीं है तो इसलिए। और हाथ तो इस बार ज्यादा नहीं हुआ है और ये दिख रहा है ना वो तो पहले का है। अभी जा रहे हैं रात का खाना बनाने, ऐसे में भुंजे चढ़ाई हुई हूँ पत्ता गोभी का और रोटी बनेगा, तो आटा भी मेरे हस्बैंड गूंथे हैं आज, तो मैं नहीं गूंथी। बंधा गोभी का भुजिया बन रहा है और चूल्हा जगह इतना गर्मी लगता है ना मुझे, गर्मी में खाना बनाने बड़ी किचकिची लगता है। चलिए ना बेल दीजिए मेरा कैमरा क्या है बंद कर रहे हैं, हम बेलेंगे कि आप, हम बेलेंगे तो आप बेलिएगा। देख सकते हैं आज आटा हम लोग का कम पड़ गया है, तो मेरे हस्बैंड बेल रहे हैं रोटी आटा, क्यों करते हैं वैसे की गिर गया ना वहाँ, फिर पैर में चिपक चिपक के सब बिस्तर में जाएगा, नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा आप ही करते हैं। तो गाइस बनाते हैं पहले रोटी वगैरह, मेरा फोन में बैटरी कम है तो इसको चार्ज में लगाती हूँ। क्या कर रहे हैं वैसे, हवा चलता है कचरा गिरता है, हाँ इसीलिए, हाँ मच्छरदानी क्या लगा हुआ है तो गाइस खाना वगैरह हो गया रात का और यहाँ देखिए मच्छरदानी के ऊपर ये तौलिया नहीं दुपट्टा, गुड नाइट, हम चले जा रहे नहीं। तो गाइस खाना वगैरह खा के मैं प्रोटीन भी पी ली हूँ, खाने के ऊपर इस तरह से ओढ़नी को लगाए हुए है कि गर्दा गिरेगा, बोलते हैं गिरेगा होता ही है। तो गाइस ये ब्लॉग वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, क्यों करें दो मिनट रुक नहीं सकते
देन बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। से बदमाशी कर रही हूँ अभी, बाय।